हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देखे थे। सिंपल इंटरेस्ट है, इनपुट स्टेटमेंट्स हैं और सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। अब थोड़ा सा हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट है। अभी तक क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम होते थे, स्टेट फॉरवर्ड प्रोग्राम का मतलब यह है कि सिंपल इनपुट लिया, प्रोसेसिंग की और आउटपुट आया। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके इफ कंडीशन वाले प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें एक कंडीशन होती है और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर फॉल्स होती है तो फिर कोई मतलब ही नहीं उसका, क्योंकि उस केस में हमारे पास अभी एक ही पार्ट का एग्जीक्यूशन आता है, दूसरे का नहीं आता। तो इफ स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग, इफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट इज टू बी यूज्ड, ये इफ कंडीशन का सिंटेक्स है। इसको और प्रॉपरली हम लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, इफ कंडीशन और फिर कॉलन लेके वहां पर इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है लिविंग स्पेस। यहां से इंडेंटेशन करा, इंडेंटेड स्टेटमेंट ब्लॉक, ये या जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना हो, मतलब आपका इफ कंडीशन के बाद वो चीज आएगी, इफ के साथ कंडीशन आएगी। ये हम तब करते हैं जब आपका एग्जीक्यूशन, आपको कोई स्टेटमेंट किसी कंडीशन ट्रू होने पे आपको एग्जीक्यूट कराना हो। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखने वाली है। अब जैसे यहां लिखा है ए इक्वल्स टू 10, इफ ए इक्वल्स टू 10 प्रिंट ए इक्वल्स टू 10, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अब देखते हैं हम इसको, हम पाइथन आइडियली ये लिया और फाइल में जाके न्यू करा, और यहां मैंने कमेंट दे दी पहले, प्रोग्राम फॉर इफ कंडीशन। अब इसमें सबसे पहले हम वेरिएबल लेते हैं ए इक्वल्स टू इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, और फिर इनपुट मैंने प्रीवियसली भी बताया था, जो भी हम वैल्यू लेते हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी, एंटर नंबर ए। अब उसके बाद हमने वहां लिखा था इफ ए इक्वल्स टू 10 और कॉलन। देखो ये इंडेंटेशन में मैंने कर ली सिंपल, राइट इंटरप्रेस करा तो कर्सर लेफ्ट में यहां नहीं आया, कर्सर यहां आया। अब मैंने यहां लिखा प्रिंट, हमारे उसमें लिखा हुआ था ए ए इज इक्वल टू 10, पी आर आई प्रिंट से मैसेज करते हैं, मैसेज डिस्प्ले होता है ए इज इक्वल टू 10, ये मैसेज हमने डिस्प्ले करा। अब हमने फाइल सेव करी इफ कंडीशन,
मतलब अगर 10 हमने दे दिया तो ये आ जाएगा, और नहीं दिया तो कुछ भी नहीं आएगा। मैं रन करता हूं, रन करने का तरीका, रन F5, ए इक्वल्स टू वैल्यू दे रहे हैं हम, यहां पर वैल्यू दी हमने 20, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, देर इज नो आउटपुट शोइंग इज। अब फिर हम देख रहे हैं, अब हम दे रहे हैं 10, तो ए इज इक्वल टू 10। अब मैं एक नंबर वापस रन कर रहा हूं, थर्ड में 10 से कम वैल्यू दूंगा, फाइव। तो सिंपल कंसेप्ट है कि अगर आपने वो वैल्यू दी तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, अदरवाइज कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी डिस्प्ले। ये देखो, ये जो इफ कंडीशन का पार्ट है, इस प्रिंट जो स्टेटमेंट है, दैट इज ए पार्ट ऑफ इफ कंडीशन, और किसी चीज का पार्ट नहीं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब मैं इसी में ऐसे ही मार्क्स का ले लेता हूं, मार्क्स ग्रेटर देन 60। ये अब यहां हम ए की बजाय मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो, 60%, तो मैसेज आ जाए यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, यू गॉट फर्स्ट डिवीजन। यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, ये ले लिया हमने। रन करते हैं हम, 60 से ज्यादा वैल्यू जाएगी, इंटर मार्क्स नहीं लिखा हमने, 75 वैल्यू जाएगी तो गॉट फर्स्ट डिवीजन। यहां पे इंटर मार्क्स कर देते हैं, या इनपुट मार्क्स कर देते हैं, मैसेज कुछ भी पास कर सकते हैं, इनपुट मार्क्स। रन, फिर अब कम वैल्यू देते हैं, 55, तो वो आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज हम एक ही कंडीशन, इफ कंडीशन का हम एक ही पार्ट एग्जीक्यूट करा रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आप एक पार्ट एग्जीक्यूट कराएंगे, इफ कंडीशन का हमने एक ही पार्ट देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। अब इसमें हम एक और बात है, ये इफ कंडीशन है, हम चाहें कि हमारा खुद का मैसेज भी आए प्रोग्राम खत्म होने के बाद, तो हम खुद का एक मैसेज ले लेते हैं, प्रिंट आर यू हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस अब मैंने दिया 62 दे दिया, यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, ये इसका पार्ट है, आर यू हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस, ये सेकंड नॉर्मल पार्ट है, ये हर केस में एग्जीक्यूट होगा। मान लो मैंने 60 से वैल्यू कम दी तो भी एग्जीक्यूट होगा, देखें हम 59, यस, उसमें उस पार्ट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये समझने वाली बात है। इसमें हमने सिंपल एक इफ कंडीशन दी, मतलब वो कंपेयर करेंगे दो वैल्यूज को, और कंपेयर करने के बाद कोई आउटपुट आ रहा है तो ठीक है। एक और हम ले लेते हैं, इंटर करा देते कि भैया मैसेज, अगर वेट इंटर कराते हैं,
प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेज, डिस्प्ले मैसेज डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ ए पार्सल. अब वेट ले लेते हैं डब्ल्यू ई आई जी एस टी और फ्लोट ले लेते हैं. फ्लोट इसलिए कि वैल्यू अगर आपने कुछ इंटर करी, इंटर द वेट ऑफ ए पार्सल डब्ल्यू ई आई जी एस टी वेट ऑफ ए पार्सल की वैल्यू आप इंटर करो. और वेट की वैल्यू अगर, अब वेट वेरिएबल एक 6 कैरेक्टर्स का वेरिएबल है, डब्ल्यू ई आई जी एस टी वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 55 0.0 भी लगा सकते हो, यू पे रुपीज 250 एक्स्ट्रा. मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आपका एक लिमिटेशन के बाद हो, यू पे 250 रुपीज एक्स्ट्रा, 200 रुपीज एक्स्ट्रा. हमने क्या करा, ये प्रोग्राम किस चीज का, वेट अगर 50 किलो तक है तो नॉर्मल जो आप दे रहे हैं वो दें, और अगर आप 50 से ज्यादा है तो आपको एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा. यू हैव डन. थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो ग्रीन कलर में आता है वो प्रिंट, वो डबल कोट्स जो आता है दैट इज मैसेज, जो पिंक कलर में आता है दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट. पिंक कलर के जो भी हैं वो कीवर्ड्स हैं एग्जैक्टली, पिंक और आपके ये ऑरेंज कलर के, मतलब जो भी आप इनबिल्ट चीजें दे रहे हैं. और कुछ कीवर्ड्स से कीवर्ड्स जो हैं वो इफ कंडीशन के द्वारा. अब इसको रन करते हैं, हम पहले वेट देना पड़ेगा, वेट हम 50 से ज्यादा दे देते हैं, पहले 51 दे देते हैं. You have pay 200 extra rupees extra. इसको हम pay लिख देते हैं. देखें 54. मान लो उससे कम है तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ओनली यू हैव डन आएगा. मैंने 45 करा, यू हैव डन. तो ये ध्यान में रखने वाली बात है. अब ये अभी हमने ग्रेटर देन के लगाए, लेस देन भी ले लेते हैं, एक लेस देन का बना लेते हैं. 18 ईयर से जो कम हो वो इमेच्योर आ जाए, मैच्योर के लिए नहीं बताएंगे. प्रोग्राम टू डिस्प्ले पर्सन इज इमेच्योर, पर्सन इज इमेच्योर. इमेच्योर कब आएगा, जब 18 ईयर से उसकी वैल्यू कम होगी. तो अब हम लेस देन पे ले रहे हैं, अभी तक हम ग्रेटर देन पे ले रहे थे. एज इंटीजर इनपुट इंटर योर एज, ये एज लिया, एज लेस देन 18 है तो यू आर नॉट मैच्योर, मैच्योर सिंपल. 18 से कम पे हमने यू हैव इंटर्ड वैल्यू, यू हैव इंटर्ड वैल्यू. प्रोग्राम टू डिस्प्ले इमेज,
अब हमने 18 से ज्यादा डाली, 25 डाली, तो बस वो आखिरी मैसेज आएगा। मान लो 18 से कम डाली, ये इंटर कर देते हैं, 15 इमेच्योर, तो यू आर नॉट मेच्योर मैसेज आ जाएगा। तो ये समझने वाली बातें हैं। मैंने इफ कंडीशन के काफी सारे मैसेज आपको बताए, चीजें हिंट दी। इसमें आप ये भी लिख सकते हो नॉट मेच्योर की जगह यू आर माइनर, मेच्योर आपको थोड़ा सा वो लग रहा हो तो यू आर माइनर, माइनर। यू आर माइनर ज्यादा देंगे, अगर वैल्यू आप उससे ज्यादा देंगे 18 से, तो वैल्यू आउटपुट विल नॉट डिस्प्ले, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो ये समझने वाली बात है। आगे बढ़े हम। हाँ, अब एक दूसरा पार्ट आता है इसमें कि चेक करो दो कंडीशन, उसको अपन उस पे लेते हैं। ये अभी सिंपल एक इफ का पार्ट था, अब ये दूसरा, वो डिसीजन मेकिंग या इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और दोनों में नीचे आएगा। ये डायग्राम के थ्रू बताया है, एकदम थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, बट ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जैसे डायग्राम के थ्रू, की कंडीशन आई आपने, इफ कंडीशन लगाई, और अगर वैल्यू ट्रू है, अभी तक जितनी भी चीजें एग्जीक्यूट हुई सिंपल इफ स्टेटमेंट से, ओनली ट्रू पार्ट विल एग्जीक्यूटेड, ट्रू पार्ट ही एग्जीक्यूट हुआ, फॉल्स वाला नहीं हुआ है। फॉल्स मतलब अगर कंडीशन मैंने दूसरे नंबर जो दिए उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, उसमें देखा अपन ने, फॉल्स देखे अपन। ये आया है कि कंडीशन दी, उसका सिंटेक्स ऐसे ही है, अब इफ कंडीशन में दो फॉर्मेट है, इफ कंडीशन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये आप देख रहे हैं इफ कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हमने अभी प्रोग्राम देखे थे तो सिंपल एक एक ही कंडीशन अगर ट्रू होती तो वही पार्ट एग्जीक्यूट होता था, जैसे ये 1:10 अपन ने दिया, इसी प्रोग्राम को अपन उससे रन करते इफ एल्स से। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट, और कंडीशन फॉल्स होगी तो नीचे वाला। देखते हैं अपन पाइथन ऑन करके, ये पाइथन ऑन है, ये हमने लिया, नई फाइल बनाई और प्रोग्राम फॉर इफ एल्स कंडीशन, अब एक नंबर इनपुट करते हैं, वही पहले जैसा अपन ने करा, इंटीजर इनपुट इंटर नंबर, और अब अपन ले रहे हैं इफ ए इक्वल्स टू 10। डबल इक्वल्स से कंपेयर होता वैल्यू, कि अगर ए की वैल्यू 10 होगी, जैसे कॉलन लगा इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रिंट ए इज 10, और एल्स ए इज नॉट 10, वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 10, वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 10। ये हम सेव कर रहे हैं,
इफ एल्स इसका नाम दिया। अब रन कर रहा हूँ। इंडियन नेशन करेक्ट नहीं था, ये रन हुआ, ये रन में इधर नीचे करके बता रहा हूँ। ये लिया 10 दिया तो इक्वल 10 आ जाएगा। अब दूसरा नंबर देते हैं 25। वैल्यू ऑफ इज इज नॉट 10, वैल्यू 10 नहीं है, बस ये बताना। इस तरह से काफी सारे प्रोग्राम्स बन सकते हैं। वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स थ्रू दिस प्रोसीजर। मतलब जो नंबर हमने इनपुट लिया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा और वैल्यू देखी, 10 लिया वैल्यू देखी और यहाँ पे वैल्यू भी देखी। तो ये प्रोग्राम्स हमने देखे हैं, करें इस बेसिस पे हम और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं। जैसे दो नंबर को चेक करना, चेक टू नंबर्स वेदर दे आर इक्वल और नॉट, इसको हमको इस तरह के प्रोग्राम को हमको बनाना। मतलब राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर। या हम ये भी बना सकते पहले कि पर्सन की एज इंटर करो और वो फाइंड आउट करो कि वो मैच्योर है या नहीं। हमने पहले केवल मैच्योर इमैच्योर का बनाया था प्रोग्राम, अब उसका बनाते हैं मैच्योर के। मैच्योर और इमैच्योर, फाइंड मैच्योर और इमैच्योर। ये लिया एफ। अब इसको अपन एज कर लेते हैं कि हम एज दे रहे हैं और इंटर नंबर की बजाय इंटर एज कर लेते हैं, एज। अच्छा ये एक बात बता दूं, ये आपका केवल मैसेज है, इंटर योर एज। अब एज से कंपेयर करा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहाँ आ जाएगा पर्सन एज इज मैच्योर, पर्सन इज मैच्योर, पर्सन इज मैच्योर। पर्सन इज नॉट मैच्योर। 18 से कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये तब एग्जीक्यूट होगा, ये पार्ट, दिस पार्ट एग्जीक्यूट व्हेन पर्सन एज इज 18 और ग्रेटर देन 18, एंड दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट इफ पर्सन इज नॉट मैच्योर। ओनली वन इनपुट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस, एक इनपुट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। रन कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम को, ये नीचे लिया 18 मैच्योर। अब मैं सेकंड टाइम रन कर रहा हूँ 16 नॉट मैच्योर।
तो ये दोनों केस में आपका पता पड़ गया कि पर्सन की एज मैच्योर है कि नहीं। सिंपल इफ कंडीशन है, ओनली वन इनपुट इज रिक्वायर्ड एंड चेकिंग द कंडीशन थ्रू इफ एल्स। अब ऐसे ऐसे काफी नंबर्स आप चेक कर सकते हो। जैसे एक नंबर आप इनपुट लेंगे और वो चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। फाइंड नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये लिया। अब हमने एक्स ले लिया, एक्स नंबर लेते हैं और यहां पर हम वैल्यू चेंज करते हैं। हम इसको वापस नए सिरे से बनाते हैं तो आपको क्लियर होगा। अब कोई भी नंबर, इसको इसका वो भी चेंज कर देते हैं, हेडिंग चेक गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो हमने एक इनपुट ले लिया नम, इंटीजर में कन्वर्ट करा, इनपुट एंटर नंबर। ये लिया। फिर ये चेक करा। अब कोई भी नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो वो चेक होगा, जीरो से बड़ा है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यू नो इट दिस थिंग, यू नो वेरी वेल, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब हम चेक कर रहे हैं नम नंबर ग्रेटर देन जीरो है और कॉलन। इफ आपका सिंटेक्स क्या हुआ, इफ कंडीशन कॉलन। फिर आपने मैसेज दिया प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव एल्स। अब एल्स आगे से लगेगा, देर इज नो इंडेंटेशन इन एल्स। मतलब एल्स जहां लिखते हैं, वेन एवर वी आर राइटिंग एल्स देर इज नो इंडेंटेशन। प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ओनली वन इनपुट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। सेम केस है ये जिसमें एक इनपुट रिक्वायर्ड है, वो फाइंड आउट करेंगे नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, तो मैसेज आ रहा है, अब हम उस नंबर को प्रिंट भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव लिख देते हैं। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको समझने में भी चेंज हो जाएगा। ये कहिए हम सेकंड प्लेस पे लिख देते हैं, नंबर इज नेगेटिव। ये अब हम रन करते हैं, नेगेटिव हटा देते हैं यहां से। सेव रन दिया 12 पॉजिटिव। फिर एक बार और रन करते हैं हम, -90 या 9 लेगा, 9 नेगेटिव। ये मैंने रन कराया ऐसे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें एक ऑप्शन और आ सकता है कि भाई आपने अगर जीरो प्रेस करा तो क्या आएगा। हालांकि जीरो प्रेस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये सोचने वाली बात है। आपने जीरो इनपुट दिया,
इफ यू इनपुट जीरो तो वो नेगेटिव आएगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। तो इसके लिए फिर इफ एलिफ एल्स यूज करेंगे हम नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कैसे उसको यूज करते हैं। तो अभी आपने जितने प्रोग्राम्स देखे हैं, अब एक और देख सकते हैं हम इसमें, जैसे इसी में आप फाइंड आउट करो कि वो एक नंबर आप एंटर कर रहे हैं और वो चेक करें कि वो ऑड है कि इवन। प्रोग्राम टू फाइंड आउट गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो मैं इसको सेव एज करता हूँ। ऑड और इवन, ऑड इवन का सीधा सा कंसेप्ट है, एक नंबर है आपने एंटर करा। अब नंबर जैसे मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ, ये 10 है, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट वो एग्जांपल, तो 2 5s है, टेन, ये लिया और 0 0 आ गया, इसका रिमाइंडर 0 बज रहा है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कहलाता है। जिसका रिमाइंडर 0 हो वो नंबर डिविजिबल होता है, इसका मतलब वो नंबर इवन है। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड करके अगर उसका रिमाइंडर 0 हो तो वो नंबर डिविजिबल है। देखिए इसमें हम एक इंटर ले रहे हैं, अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है कुछ। तो इफ नम परसेंटेज का साइन लगता है रिमाइंडर निकालने के लिए, इसको मॉडुलस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शेषफल। और ये 0 के इक्वेलेंट है, कॉलन लगाएंगे फिर प्रिंट क्या आ जाएगा, नंबर इज, और नम ले लो नम ऑड सॉरी इवन, क्योंकि डिविजिबल है तो इवन। फिर एल्स नंबर इज ऑड, ऑड सॉरी यहां भी नम आएगा। इस तरह से आप देखते हैं कि ऑड और इवन, हम इसको रन करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो परसेंटेज साइन है ये रिमाइंडर को शो करता है, ये कंडीशन बनाई कि नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर इवन है अदरवाइज ऑड है। हम इसको चेक, गिवन नंबर इज पॉस इवन और ऑड, अब आप ध्यान से देखना, मैंने आप नंबर दिया 12 इवन, नंबर 12 इज कर देते हैं, अब ऑड मतलब थोड़ा सा मैसेज मैंने चेंज करा, मैं ऑड नंबर दे रहा हूं 11, नंबर इज ऑड। और भी रन करके बता देता हूँ, 100 दे दिया मैंने, 102 तो इवन।
तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ऑड इवन, अब हम यहाँ देखते हैं, देखो ये रिकर्सिव समझ में आ जाएगा कि कंडीशन ये लिया तो ये आया, अदरवाइज ये लाया, तो इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। हमने काफी सारे प्रोग्राम्स भी देख लिए और एग्जीक्यूट भी करें। अब आपको ये फिगर आप देखोगे तो इसमें समझ में आएगा, ये कंडीशन ट्रू वाले पार्ट में ही है और फॉल्स वाले में, और दोनों के बाद आखिरी में यही आएगा, ये वाली चीज तो दोनों केस में आएगी, और ये कंडीशन, ये टेस्टिंग कंडीशन यहाँ लग रही है। तो फ्लो चार्ट जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो इसी तरह से करते हैं, तो फ्लो चार्ट आप इम्प्लीमेंट करोगे वो इसी तरह से करोगे। तो इसको डिसीजन मेकिंग भी बोला जाता है। तो तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। पहला जो होता है वो सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब ये सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे प्रोग्राम जो हमने सिंपल इंटरेस्ट के बनाए थे और टेम्परेचर कन्वर्जन के बनाए थे, एक्सचेंज ऑफ टू वेरिएबल के बनाए थे, ये इफ कंडीशन के ये है कि इसमें कंडीशन कंपैरिजन होता है, टू थिंग्स आर कंपेयर, टू वैल्यूज आर कंपेयर, टू वैल्यूज ऑफ कंपेयर होने के बाद कोई भी एक पार्ट ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। तो ये चीजें आपकी इफ कंडीशन के अंतर्गत आती है। मतलब तीन स्टेटमेंट बताया, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, और थर्ड आता लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सेकंड वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसको इफ एल्स बोला जाता है। अब आगे लूप वाला भी है, बट हम पहले इफ एल्स पढ़ेंगे और सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स हम उसके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।